नाम मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से लाइव हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और लाइव क्लास हम आपके स्टार्ट करते हैं अभी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लाइव आएंगे 4 बजे, तो हम हाजिर हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पा सकते हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं जो कहते हैं कि मैम आपसे बात करना है, आपसे कुछ पूछना है, तो हम उनसे कहते ही हैं कि आइए लाइव ज्वाइन करिए और यहाँ पे संगीत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनको भी आंसर मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़े आप लोग। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हेल्प करें, शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछते जाएं। आप लोगों को जब तक लोग जुड़ रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक नया प्लेलिस्ट लेकर के आ रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में बहुत ही म्यूज़िक का बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्राण, जिसको बोलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। और जो कि आपके माइंड में क्वेश्चन तो बनते हैं, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं हमसे कि मैम किसी भी गाने में राग कौन सा है ये कैसे पहचाने, या किसी राग का राग पर बेस कौन सा गाना है ये कैसे पहचाने, ये सारी चीज़ें आप लोग पूछते हैं। लेकिन उसको जब स्टेप बाय स्टेप सीखने की बारी आती है तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ और आप लोगों को समझाने वाली हूँ। देखिएगा ध्यान से कि प्लेलिस्ट जो होगा उस पर हम राग बताएंगे, सिखाएंगे। मतलब ये नहीं होता कि राग एक शुरू किया तो उसको बहुत, नहीं, पूरा का पूरा राग नहीं, राग का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट मतलब का क्या हुआ कि जैसे राग खमाज है या राग यमन है या, तो उसका मेन पकड़ क्या है, चलन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये राग यमन है या राग खमाज है या राग भैरवी है या राग कल्याण, कुछ भी कोई भी राग हो हम कैसे तुरंत पकड़ बना पाए उस पर। इस पर हम एक शॉर्ट तरीका लेके आ रही हूँ और बहुत सॉलिड तरीका लेके आ रही हूँ। तो एक नहीं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी आप लोगों को। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2024 में आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आऊंगी और मेहनत के साथ सिखाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करिएगा। तो मैं अपने वादे पर कायम हूँ और मैं अपने वादे को पूरा कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये करिए, कॉपी बना लीजिए, जैसे कि सभी लोग पुराने हैं वो बनाते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो नए जुड़ते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग कॉपी बना करके अच्छी तरीके से उसको नोट करते जाइए, तब एक टाइम आएगा ना कि आप लोगों को ये, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा कि मैम ये राग, ये गाना कौन से राग पर है, ये राग पर कौन से गाने बने हुए हैं, प्लीज समझा दीजिए, प्लीज बता दीजिए। तो वो जो हम बताते हैं या कोई टीचर आपको बताता है वो सेम चीज मैं आप लोगों को एकदम, मतलब क्या होता है कि पोस्टमार्टम करके बता दे रही हूँ एकदम बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोग अच्छे से सीखिए। जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स आ चुके हैं, तो सबका स्वागत है, सबको राधे राधे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लाइक कर लीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई भी लाइक नहीं कर रहा, तो सब लोग लाइक करिए। लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा, और भी लोगों तक पहुंचेगा और लोग जुड़ पाएंगे। जो मैं टाइम लेकर के आई हूँ वो सभी लोगों तक पहुंच पाएगी वीडियो। यहाँ पे हार्ट एंड इमोजी स्माइली नहीं, जहाँ पे थंबनेल बना है, जहाँ पे लाइव ये ऐसे अंगूठा बनाया ना, वहाँ पे लाइक करो मेरे भाई लोग। आप लोग यहाँ लाइक करोगे तो नहीं मिलेगा लाइक, वहाँ पे करोगे तो जुड़ेगा, वो एड ऑन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कमेंट भी आ गया है कि विशु जी लिखते हैं कि हेलो मैम, हेलो अनु कुमार लिखते हैं मैडम जी क्या कॉर्ड रनिंग 4 नोट्स वाला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 4 नोट्स का भी होता है, 6 नोट्स का भी होता है, 8 नोट का भी होता है, बहुत लंबे लंबे इसके अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। तो उसके लिए आप प्रॉपर ढंग से आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से क्लास करनी पड़ेगी, तब हो पाएगा, ठीक है, एक दो वीडियो से नहीं हो पाएगा। VSS लिखते हैं प्रणाम जी, प्रणाम। कुमार विकास जी लिखते हैं नमस्कार मैम, नमस्कार जी। नितिन जी नमस्कार। आजम जी लिखते हैं कि, आजम जी लिखते हैं हेलो मैम, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, मोस्ट वेलकम एंड मुबारक ईद आपको।
आज ईद है शायद, हाँ आज ही है, तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। नितेश जी लिखते हैं कि मैम म्यूजिक में करियर क्या, म्यूजिक में नितेश लिखते हैं कि मैम म्यूजिक में करियर क्या क्या है, करियर क्या क्या है कि म्यूजिक में करियर बनाने से क्या फायदा है? सही क्वेश्चन करो तो फिर आंसर दें, ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन मत करो। छोटू पाठक लिखते हैं नमस्ते दीदी, नमस्कार जी। आयुष पाल जी लिखते हैं दीदी के का कोई गाना गाइए। भैया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर म्यूजिक से रिलेटेड बात करना है, गाना गाने के लिए ये लाइव नहीं होता है, तो क्षमा चाहेंगे आपसे। आशुतोष जी लिखते हैं राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। विष्णु जी लिखते हैं कि मैम प्रयाग संगीत समिति अलाहाबाद की म्यूजिक पे में प्रभाकर और प्रवीण की डिग्री को केंद्रीय मान्यता है या नहीं? देखिए एक समय था वहां पे मान्यता खत्म कर दी गई थी, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी, एकेडमिक डिग्री की वैल्यू थी एज अ टीजीटी पीजीटी या टीचिंग लाइन में, लेकिन अब उसका नहीं है, उसका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यूएबिलिटी है वहां से। देहाती जी लिखते हैं, देहाती सो लिखते हैं कि प्रणाम मैम, प्रणाम जी। छोटू पाठक लिखते हैं मैम गाते टाइम बेसुरा हो जाता है, किस किसका रियाज करें? स्वर प्रैक्टिस, स्वर का रियाज करो भैया मेरे, बेसुरा बेतारा ये सब जो है सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। क्या प्रैक्टिस करेंगे बता दिया, स्वर 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 विस्तार, स्वर ज्ञान करिए। फोक म्यूजिक लिखते हैं प्रणाम जी, जी प्रणाम। मधुलिका जी लिखते हैं हाय गुड, हर्षित लिखते गुड गुड। फोक म्यूजिक फोर नवरात्रि है आज, हाँ आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चौथा दिन है कि तीसरा दिन है, चौथा दिन है हमको लगता है तीसरा दिन है। अरे यार व्रत तो अभी हुए थे, चलो जो भी है माता रानी की सेवा हो रही है, कोई नहीं माँ तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, नवरात्रि में स्पेशल मेरे लिए लगता नहीं है कुछ, क्योंकि हमारा हर एक दिन स्पेशल रहता है मेरी माता रानी के लिए। प्रमोद कुमार लिखते कि ओपन वाली पता नहीं क्या, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। फोक म्यूजिक की मैम खुशमंदा देवी जी या माँ खुशविंदा देवी, राधे राधे जी, राधे राधे एन सोही जी। नितेश जी लिखती है मैम म्यूजिक में करियर करियर ऑप्शन कौन कौन सा है? अच्छा देखिए म्यूजिक में बहुत सारे करियर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो सबका एम होता है ना ऑलराउंडर बनने का, यानी परफॉर्मर बनने का, एक स्टार बनने का होता है कि हम बहुत बड़े स्टार बन जाए, तो मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग, जिस लेवल का मेहनत करते हैं उस लेवल का उनको सफलता मिलती है, जितना कम मेहनत करते हैं उतना कम उनको सफलता मिलती है, जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा सफलता मिलती है। पहली बात यह है कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन सकते हैं अपने म्यूजिक के क्षेत्र में, जो भी आप एरिया चूज करते हैं, पहला प्रॉफिट। दूसरा करियर ये है कि आप अपनी एकेडमी खुद का खोल सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप एक एकेडमी खोल सकते हैं या एक स्कूल खोल सकते हैं अपना खुद का संगीत का। दूसरा आप एक टीचर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी प्रयाग संगीत समिति जैसे सेंट्रल होता है उस तरीके का, या किसी कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं म्यूजिक की पढ़ाई करके पीएचडी करके, और एक बेहतर ढंग का एक टीचर बन सकते हैं। चौथी आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं म्यूजिक एज अ म्यूजिक टीचर, प्राइवेट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि आप शोज वगैरह कर सकते हैं जैसे जागरण वगैरह है, इसमें भी पैसा मिलता है, तो बहुत सारे करियर है। बस सारी चीज़ों का एक ही बात है कि भाई मेरे अगर आपको नॉलेज होगी तो हर जगह सफलता मिलेगी, नॉलेज विहीन रहोगे, नॉलेज नहीं रहेगी तो हमेशा दिक्कतें धक्के मुक्के खाते रहोगे, ठीक है। कोई तो बीए करवा दो म्यूजिक, बीए करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ऐसे घर बैठे कर लोगे भैया? इन सोई लिखते कि मैम थोड़ा सा सारे स्केल पे सरगम बनाने के लिए टिप्स प्लीज। क्या बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा सारे स्केल पर सरगम? अच्छा सारे का, देखो
सब स्केल से सारे गामा पाधा निशा अगर बजाना चाहते हो ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 12 स्केल आनी चाहिए, और जो कि मैंने अपने चैनल पर सिखा रखा है, टिप्स भी बता रखा है, सब कुछ। मेहनत करो, मेहनत, ये क्वेश्चन करना ही बेकार है मेरे चैनल पर आकर कि हर एक स्केल से सारे गामा पाधा निशा बजाना बता दीजिए, क्योंकि हर एक स्केल से सारे गामा पाधा निशा बजाना हमने सिखा रखा है और बेहतर ढंग से बता रखा है वीडियो में पूरा, क्या बोलते हैं, ए टू जेड कि फिंगर नंबर क्या लगेगा, कौन से स्केल से कैसे बजेगा, ए टू जेड फॉर्मूले के साथ। तो मेरे भाई मेरे या बहन मेरी, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि जाओ यूट्यूब पर, मेरे ये हारमोनियम वाला लेसन है, हारमोनियम पे जो स्केल बताया है हर एक स्केल से बजाना सीख लो, हो गया, बात बन गई। चंद्रकांत जी, नमस्कार मैम, नमस् शिव, हाय, हेलो। VSVSS म्यूजिक लिखते कि दीदी हम चाहते हैं कि आपसे क्लास करें। बिल्कुल आप क्लास कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मेरे लॉन्ग वीडियो में, ध्यान से सुनना मैं जो बताने चल रही हूँ। लाइव और रील्स पे नहीं मिलेगा मेरा नंबर, लॉन्ग फॉर्मेट का जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर लो। पोमिजती मैम, चौथा दिन नवरात्रि देवी की, कुछ मांडा जी की, अच्छा बहुत अच्छी बात है। हम हमें याद नहीं, काउंट क्योंकि कर नहीं रहे ना, क्योंकि पूजा वूजा तो रोज करते रहते हैं हम, तो जो भी जितने भी महीने होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, डेली माता रानी की पूजा होती रहती है, तो ऐसा कोई काउंटेबल नहीं होता है मेरा, तो ठीक है, अच्छा है। विष्णु ऑन ऑफिशियल के, मैंने केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सोचा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ प्रयाग संगीत समिति की डिग्री की वैल्यू है या नहीं। हाँ, आप एक बार देख लीजिए, पता कर लीजिए, क्योंकि पहले तो एक बार कैंसिल हुआ था, गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था, बट बीच में चेंज हुआ था, इसकी वैल्यूएबिलिटी बनाई गई थी कहीं कहीं जगहों पे, तो मांगता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नीतीश कुमार लिखते हैं थैंक्स अ लॉट मैम, मोस्ट वेलकम जी। विशो फिर से लिखते हैं प्रभाकर और प्रवीण क्या है। प्रभाकर प्रवीण, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो होता है वो हाई स्कूल होता है, ठीक है, 9th, 10th। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होता है आपका इंटर, यानी कि डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा फोर्थ ईयर। फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर होता है प्रभाकर, जो आपने पूछा है, फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर संगीत में फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर होता है प्रभाकर। सेवेंथ ईयर और एट्थ ईयर होता है प्रवीण, दो दो साल का होता है सब, समझ आया। फोक म्यूजिक लिखते कि नॉलेज तो है मैम जी, डिग्री नहीं है बस, तो डिग्री भी आप ले लीजिए एग्जाम दे दे करके, ठीक है। रिलैक्स लिखते कि थोड़ा क्लास ले भी सिखा ले बहन, या यूट्यूब पे है सब। नहीं नहीं हम क्लास भी कराते हैं और यूट्यूब पे भी कराते हैं। देखिए क्या है कि मेरा थोड़ा सीधा सा फंडा है जो लोगों को टेढ़ा लगता है लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, ये है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है माता रानी के आशीर्वाद से, जो भी उनकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं क्लास में भी सेम टू सेम सिखाती हूँ, जो क्लास में सिखाती हूँ ऐसे ही सिखाती हूँ, और यूट्यूब पे जब सिखाती हूँ तो सेम 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 चीज़ सिखाती हूँ। मतलब ये नहीं कि जो यूट्यूब से मुझसे सीख रहे हैं या जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको कम मिल रहा है और क्लास में मैं कुछ अलग से दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। हर जगह फेयर हूँ मैं, मेहनत करती हूँ यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करती हूँ, एकदम सेम टू सेम हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं, यानी क्लास में भी ऐसे करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत हो जाएं कि जो यूट्यूब पे सीख रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं या अधूरा ज्ञान मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना आप लोगों की, कि कोई डांटने वाला नहीं होता है। जब आप क्लास करते हो तो टीचर की डर होती है कि मैम डांट देंगी, आज ये वाला वर्क करके रखना है। आलस जिसको बोलते हैं, लेजीनेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को यूट्यूब पे सीखने की वजह से। जब यूट्यूब से सिर्फ सीखते हो तो वहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता, जब आप पैसा देके सीखते हो तो वहाँ डांट भी पड़ती है, बढ़िया से रहते भी हो और ठीक से प्रोग्रेस भी होता है। तो यही डिफरेंस होता है और हमें नहीं लगता कि कोई डिफरेंस होता होगा। अगर जिसने डर ऐसे ही ले लिया अपने अंदर और ठान लिया कि नहीं मुझे सीखना है, तो वो घर यहाँ यूट्यूब पे भी अच्छे से सीख लेता है। दिनेश पांडे लिखते हैं माता रानी की जय, राग यमन को जानना है मैम। बस इंतजार करिए, अभी जल्दी से जल्दी वो लिस्ट, आज कल एक प्लेलिस्ट फॉर्म कर ही दिया है, एक 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 राग हम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें, हफ्ते दो हफ्ते हर एक रागों का एक सीरीज लेके आ रही हूँ आप सभी लोगों के लिए।
रागों का इंट्रोडक्शन, आरोह अवरोह पकड़, स्वर संगतियां, उसको कैसे पहचानेंगे, उस पर किसी भी राग पर पकड़ कैसे बनाएंगे, हम ये एडवांस टेक्निक लेकर के आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग बस इंतजार करें और सीखना शुरू करें, कॉपी बना करके बढ़िया से आगे बढ़ें सब लोग। जो भी क्वेश्चन रहती हैं, जो मन में बनते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस इसी तरह सीखते रहें, साथ देते रहें हमारा। कुमार विकास जीते की सांस कैसे बढ़ाएं, मॉर्निंग वोकल रियाज से, ओमकार से हमने बना रखा है, बता रखा है वीडियो, तो आप उसको देखें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोक म्यूजिक लगते कि झिंझोटी राग बना दो मैम, 17 को मेरा प्रोग्राम है। झिंझोटी भी बना देंगे, वेट तो करो मेरे भाई। अब देखो अब क्या है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, हम हर काम को करते हुए ये सब करते हैं, तो हर दो दिन पे तो मेरा वीडियो आता है, डेली तो हम वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाते हैं, और मेरी क्लासेस रहती हैं, अपना खुद का भी प्रैक्टिस रहती है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। झिंझोटी पे बनाएंगे और अच्छे से सिखा भी देंगे, परेशान नहीं होना। देहाती शो लिखते हैं मैम, फोक म्यूजिक लिखते कि पूर्वी थाट कर रहा हूँ, बाकी सब थाट कर लिए। बहुत अच्छी बात, मोस्ट वेलकम, वेल डन, ऐसे करो। मैम आप क्लास करने के लिए कितना पैसा लगेगा? आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो पूरा डिटेल, पैसा सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे डिटेल। ठीक है, फोक म्यूजिक लिखते कि नामत्या नहीं, हमको नहीं पढ़ में आ रहा है आप क्या लिखे हैं। ऑनलाइन संगल की मैम फीस कितनी है आपकी? आप लोग प्लीज जितने लोग हमसे क्लास करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा मेरे भाई, आप सभी लोग कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल बता देंगे, अब यहाँ पे बताना मुश्किल है मेरे लिए, तो आप प्लीज वहाँ पे कांटेक्ट करें। फोक म्यूजिक लिखते हैं कि बिलावल कल्याण काफी आशावरी और तोड़ी अब पूर्वी कर रहा हूँ, टिप्स बता दो प्लीज। अरे बिल्कुल, टिप्स आने वाला है, जो भी टिप्स बता रहे हैं, हर राग को अपने दिमाग में कैसे बैठाएं, कैसे इसका जहन में रखें, ये टिप्स हम बताते चलेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करें, कल से शुरू हो जाएगा। अनिल कुमार लिखते हैं मैम ये म्यूजिक सुन कर पियानो में कैसे बजाते हैं? म्यूजिक सेंस से, ईश्वर का एक आशीर्वाद होता है भाई कि जो म्यूजिक खुद से निकाल कर बजा पाते हैं, वो आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद मिलता है, ऐसा नहीं कि पहले से, आप मेहनत करते हो तो माता रानी का आशीर्वाद ऐसे बरसता है, मतलब म्यूजिक सेंस आपको होता है, उसी म्यूजिक सेंस से ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, खुश नसीब शर्मा, गुड, थैंक यू। विकास जी लिखते हैं कि जय हो, जय माता दी की, आप बहुत अच्छा सिखाती हो, थैंक यू, थैंक यू विकास सर जी। श्यान दत्त लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम श्यान दत्त जी, आप बहुत दिनों बाद आए। राधे राधे मैम, राधे राधे मैम, अभी तक रागों का 10 रसों के प्रयोग उचित रूप सिखाने वीडियो आज हम आपका वीडियो ये देख रहे थे सियांदत, हम इस पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पूछा है ना, अब देखो 10 रागों पे पूछा है, अब 10 रागों का सबका रस कौन से मूड का है, उसकी प्रकृति क्या है, सब पे तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं, आज ही हम उस पर वर्क किए हैं, थोड़ा सा और इंतजार करिए, आएगा वीडियो ही आएगा, 100% आएगा, और आपने लाइव में एक बार मतलब पूछ भी लिया तो रिवीजन भी हो गया और जल्दी बना देंगे। द तबला लिखते हैं कि प्रणाम मैम, प्रणाम जी, झिंझोटी का आरोह अवरोह बता दो, बाकी मैं कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, झिंझोटी का अगर कहीं आरोह अवरोह पकड़ बताना है ना, तो हम रील अपलोड कर देंगे, कल रील अपलोड कर देंगे आरो अवरो पकड़। ठीक है, फोक म्यूजिक आपकी हेल्प हो जाएगी, एक डेढ़ मिनट में कर देंगे, समझ उसको देख लेना आप। ठीक है मैम, प्राचीन कला केंद्र की डिग्री की वैल्यू है कि नहीं? देखो उसकी डिग्री के बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम समिति को जानते हैं, समिति के बारे में पता है, उसकी नहीं पता है। कुमार विकास लिखते हैं कि एक दिन में कितने घंटे रियाज करना चाहिए? कम से कम 3 घंटे। आजम लिखते हैं कि चर्च में कॉयर के साथ बैकिंग प्रॉब्लम है। अच्छा,
वीरेंद्र लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम अमेठी से। प्रणाम वीरेंद्र जी, कैसे हैं। फोक म्यूजिक लिखते हैं कि कितना सॉन्ग ऊपर और नीचे आता, इसे इसमें निकाल लेता हूँ अपने से, आपने ही सिखाया था। बहुत अच्छी है, गुड, वेरी गुड। ऐसे आगे बढ़ते रहिए और भी सीखते रहिए। अमी लिखते हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। श्याम दल लिखते हैं कि आप कैसे दिन भर संगीत में वीडियो करते हैं, तो घर में खाना, घर की काम कब करते हैं। भाई साहब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं अपना रूटीन बता दूं श्यामदत्त जी, कि जैसे मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, मेरा छोटा भाई है मेरे साथ। वो मेरा छोटा भाई नहीं है, वो मेरी बहन है एक तरह की। बहुत मदद करता है मेरा बच्चा, बहुत मदद करता है। तो हम दोनों जैसे उठे, फिर एक्सरसाइज किए, फिर स्नान किया, पूजा किया, फिर रियाज करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते हम लोग को बज जाते हैं 8, 8, 9 बज जाते हैं सुबह के। तो सुबह के 8, 9 बजे फिर खाना हम दोनों मिलके बना लेते हैं। बर्तन बर्तन वो धुल लेता है मेरे। उसके बाद फिर खाना बना लिया, फिर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद 1 घंटे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। फिर रेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ गया है। जी, रेस्ट करने के बाद फिर वीडियो शूट, जो आप लोगों के लिए करते हैं वीडियो शूट, वीडियो एडिटिंग। फिर उसके बाद 3 बजे से क्लास, 10 बजे तक क्लास होती है। फिर खा करके फिर सो जाते हैं। खाना उसी में हो जाता है, सब दोनों मिलकर कर लेते हैं। रुद्राक्ष सिकंदर में ना रख लो माम बता दो। रुद्राक्ष सिकंदर में नाम रख लो, ये कौन सा है, मुझे नहीं समझ आया आप क्या पूछ रहे हो। हेलो पावर जी, 2G गेमिंग। मैं तो पूरा दिन रियाज करता हूँ, सारा दिन में रियाज करता हूँ, गरम का ग्राम का। अच्छा, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। मैं ग्राम और मध्य का रियाज, ग्राम क्या होता है वो, मंद्र का पूछ रहे हो। मंद्र का मतलब ग्राम होता है क्या, ये ग्राम क्या है। ग्राम का मतलब सारे गामा पाधा निसा होता है, 1 ग्राम में ये 7 स्वर होते हैं, तो मध्य सप्तक में करते हैं। तो मंद्र और तार में, मंद्र मध्य तार तीनों में करना चाहिए ना। आप एक में करोगे और दूसरे में नहीं करोगे तो फिर आगे स्केल कैसे बढ़ेगी, कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। तो बस ऐसे चलता है। और म्यूजिक अभी तो ऐसा ही चल रहा है, बाकी संगीत है, संगीत बहुत कुछ दे रहा है, संगीत से ही सब कुछ है। काम अपने आप हो जाते हैं, काम हम फटाफट कर लेते हैं, ऐसे होता ना। 1 मिनट, मेरा कीबोर्ड ऐसा चल रहा है, हम बंद कर दे इसको, बहुत तेज हिट हो गया है। तो काम जैसे ना रिदम में करते हैं, जैसे सब्जी बनाया, उधर सब्जी बन रही तो रोटी भी बना लिया, रोटी तो फिलहाल हम बनाते नहीं, भाई बनाता है। सब्जी बना लिया या चावल बना लिया, तो एक काम के साथ दो दो तीन तीन काम करते रहते हैं साथ में। जैसे म्यूजिक होता है ना कि सुर लय ताल तीनों को संभालना, वैसे जीवन में भी वो इतना अभ्यास हो गया कि एक साथ दो दो तीन तीन काम हो जाता है, तो वो जल्दी हो जाता है। अनिल कपूर लिखते हैं कि मैम, ये पता चलता है कि क्या गाने में सुर ऊपर गए हैं, कहाँ नीचे गए हैं, इसका पता चल कैसे चलता है, इसके लिए क्या एक्सरसाइज करें। अनिल कुमार जी, इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए सिर्फ समझ है, जो कि मैंने वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए कि खुद से गाना कैसे निकाले। बाय म्यूजिक करियर एकेडमी जब आप टाइप करोगे ना, तो मैंने बहुत अच्छा टिप्स बताया है। ये जो फोक म्यूजिक करके ये जो इन्होंने कमेंट किया ना, इन्होंने ही अभी बताया कि वो जो आपने क्वेश्चन किया है, इनका क्वेश्चन पहले था, इनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया उस वीडियो से। वो खुद से गाना ऊपर नीचे जैसे जा रहा है, उनको समझ आने लगा है, वो गाना निकालने लगे हैं। अभी अभी उनको हमने साबिशी दिया है, तो आप भी ये काम करिए, आपको भी आ जाएगा समझ। फोक म्यूजिक, मैं खरज ग्राम और मध्यम का रियाज तार के
पा तक आवाज जाती है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। अब देखिए, बहुत दो तीन प्रॉब्लम्स रह गई है हमारे जितने भी व्यूअर हैं, हमें जहां तक पता चल रहा कि प्रॉब्लम क्या है कि खुद से गाना निकालना काफी हद तक ठीक हो गया है लोगों का। अभी जो नए होते हैं, जैसे अनिल कपूर जी हैं, आप जैसे पूछ रहे हैं, ओके थैंक यू मैम, हाँ जी, जैसे आप हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम हो गई है कि कैसे निकाले। जो नए आते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम, जो हमारे पुराने व्यूअर है ना, वो खुद से गाना निकालना सीख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, लेकिन वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी काम करिए, मेहनत करिए, हम यहाँ पे बहुत तरीके से और सलीके से सिखा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, और समझ में आ भी रहा है, जो सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं, उनको आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी बता दो, लेकिन उनके ये ना, ये मोटा होता है यहाँ से, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, बाकी जो समझने वाले वो समझ जाते हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई कि खुद से गाना कैसे निकले। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको आती है, हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि रिदम भी नहीं गा पा रहे हैं। मेरे चैनल पर इतने सारे लोग थे, यही प्रॉब्लम, मैं लय में नहीं गा पा रहा हूँ मैम, लय मेरी कट जा रही है मैम, लय क्या होती है, ताल नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने एक सीरीज ही बना दिया लय के बारे में, कहे चलो भैया सब लोगों की लय पक्की हो जाए, 3 महीने मेहनत करो सभी लोग। तो मेरे जितने पुराने व्यूवर हैं ना, तो बड़ा मजा आता है, अच्छा भी लगता है कि वो अभी क्वेश्चन उनका बंद हो गया कि मैम लय नहीं समझ में आ रही है, लय में नहीं हूँ मैं, उनको ये भी आ गया समझ। नए हैं उनके लिए दिक्कत होती है। अब एक मेरे पुराने व्यूअर हैं, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी राग है तो उस पर बेस्ड जो गाने हैं कैसे समझे। और ये भाई महाभारत है इस क्वेश्चन में कि पूरा का पूरा संगीत आना चाहिए, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत का काम है, क्रिटिकल चीज़ है, ऐसी जगह प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक को हम टच करें हैं कि जो अच्छे अच्छे की पसीना छुड़वा दे, इतनी मेहनत है उसमें, लेकिन फिर भी हम मेहनत करेंगे। आप लोग बस साथ देना, आप लोग देखना, मेहनत करना और सीख लेना, बस यही रहेगा मेरे लिए। और बस लाइक कमेंट शेयर कर दिया करना, ताकि हमें अपना प्राइज मिल जाए कि हाँ मेरी मेहनत का प्राइज मिल गया मुझे। ठीक है श्याम दत्त, मैं एक बार 8 से 9 घंटे रियाज गाना किया तो गला बैठकर खराब हो गया। अरे राम, किसने बोला 8 से 9 घंटे करने के लिए, पगलू ऐसा नहीं किया जाता, ये सब बर्बाद तो होएगा ही ना। कहा ना कम से कम 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, ये पैकेज होता है, गले की एक स्ट्रेंथ होती है ना, उसको खराब तो हो ही जाएगा, ऐसे कौन करता है भाई मेरे। खराब हो गया, किसी उस्ताद ने बताया ज्यादा रियाज करने पर गला मेरा ही क्यों खराब हो जाता है, प्रोफेशनल सिंगर लोग लॉन्ग टाइम तक कैसे कर। भाई मेरे, जैसे बॉडी है ना, बॉडी अपनी, अगर आप जिम में जाओगे और एक ही दिन 10 घंटे कर दोगे ना, मर जाओगे। गला है तो कम से कम सिर्फ बैठ गया, लेकिन अगर बॉडी एक्सरसाइज 10 घंटे कर दिया जाए ना, तो इंसान मर सकता है। तो जब आप बॉडी, जब जाते हो जिम में, अगर किसी को बॉडी एक्सरसाइज करनी होती है, तो धीरे धीरे कराता है ना ट्रेनर, धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता है, वही चीज को 1 घंटे 1 घंटे में कवर करता है कि आपकी बॉडी कितना सह सकती है। वैसे रियाज भी होता है भैया, अब क्या ही बोले, हंसी आ रही है। देखो मॉर्निंग वोकल रियाज वाली वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। अब हम इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, और यही बोलेंगे 3 घंटे से ज्यादा नहीं करो एक टाइम बैठो। तो फोक म्यूजिक लिखते हैं कि किशोर जी और रफी जी बहुत गाने आसावरी और भैरवी में है। हाँ बिल्कुल, वो लोग राग बेस्ड ही गाना गाते थे। वो क्या गाते थे, उनको समझती, जो राइटर थे वो गवाते थे। पहले के जो राइटर, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, बहुत जानकार, बहुत ही अच्छे होते थे। फोक म्यूजिक लिखते हैं, सॉन्ग को सुना 10 बार और कितनी आवाज नीचे और ऊपर गई, सॉन्ग निकाल लो। हाँ ये पकड़ लिया इन्होंने, फोक म्यूजिक ने। चतुरंग बना दी मैम, नतरंग बना दो, नतरंग, हाँ चतुरंग तो बना दिया हमने आप लोगों के लिए, नतरंग क्या है हिंदी में बताइए भैया इसको, मैं मेहनत करता हूँ। हाँ वो तो समझ आ रहा है, आपकी नॉलेज से पता चलता है, अच्छा है, मेहनत करते रहो। ये नतरंग क्या है पहले हिंदी में बताओ, क्या लिखना चाहते हो। इंग्लिश यार, हिंदुस्तानी होकर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, टोटल हिंदी लिखा करो और हिंदी ही बोला करो, इंग्लिश जाए कोने में।
सियांदर लिखते हैं कि आप बाकी हैं बहुत अच्छे टीचर, लोगों के प्रॉब्लम को समझते हुए सॉल्व करते हैं। थैंक यू सॉल्व। मुझे देखिए मैं तो 8 घंटे करता नहीं होता गला खराब, क्योंकि मैं आई एम कोर्स सिंगर बचपन से गा। हाँ वही मैंने बोला ना कि आप कर सकते हो। देखो क्या होता है, एक रेस्ट चाहिए होता है। अगर मैं काउंट करके बताऊँ, काउंट करूँ ठीक है, तो मैं तो कहूँगी तो मैं 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे सोती हूँ बस, बाकी टाइम हम म्यूजिक ही करते रहते, तो वो थोड़ी ना होता है। ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूटी में जब आप करते हो विदाउट रेस्ट ना, तब दिक्कत हो जाती है। समझ पाए मेरी बात कि जैसे आप बैठो 6 घंटे, कैपेसिटी होती है आप कर सकते हो, अच्छा रहेगा, लेकिन कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अब करना शुरू किया दूसरे दिन बैठ गए, लेकर 1 महीने हम बैठे मेरा गला खराब हो गया। राजन लिखते हैं आप भूत अच्छा से सिखाते हैं आप। हम भूत सिखाते हैं कि बहुत, अरे यार चलो समझ गए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा सिखाते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन थोड़ा सा देख लिया करो क्या लिख रहे हो। फोक म्यूजिक लिखते कि मैं 7 घंटे गा सकता हूँ कोर्स बोलने वाला कोरस बोलने वालों को आदत हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गा सकते हो। देखो यार जब अपनी एक स्टैमिना हो जाती है, मैं आपको बताऊं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब कि जिसको बोलते हैं व्यायाम, गले के लिए रियाज और शरीर के लिए एक्सरसाइज, तो पहले आधे घंटे कंटिन्यूटी में करती हूँ। पहले जब मैंने शुरू किया ना, तो हम मुश्किल से 5 मिनट में मेरा इतना ज़्यादा पेन होने लगा पूरी बॉडी, हम नहीं कर पाए। तो फिर 5 मिनट पहले किया, फिर धीरे 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 7 किया, फिर 10 किया, फिर 15 मिनट किया, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे। अब तो आधे घंटे खत्म हो जाते हैं तब भी स्टेमिना बनी रहती है। तो क्या होता है कि आदत बनानी पड़ती है। रियाज में भी ऐसे है कि पहले गला थक जाता है आधे घंटे में, अब गला है कि भैया गाते रहो दिन भर, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है गले में, ऐसा होता है। तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। अब पता लगा पूरी जिंदगी का खाना एक ही दिन खा लोगे तो अपच हो जाएगी, वैसे गला होगा कि भैया पूरे दिन का, पूरे महीने का रियाज एक ही दिन कर लोगे तो गलत हो जाएगी। नतरंग इज चंद्रा बाई श्रेया घोषाल, राग चंद्रकौंश। अच्छा श्यांदर लिखते कि संगीत में नस्त और उदिस्त की प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आता, कृपया आप वीडियो बना के समझाइए। नस्त एंड उदिस्त, तो हिंदी में लिख के बताओ। तो नटरंग ज्यादा चंद, अच्छा नटरंग, ओके। अब देखो वहां पे तुमने इंग्लिश में लिखा तो नटरंग नटरंग नहीं समझ में आ रहा था अच्छे से मुझे। हमारी जो ये आंख है ना वो ब्लर होती है इंग्लिश देखकर, हिंदी देख के सही रहती है। नटरंग ज्यादा चंद्रकौंश में होती है, ठीक है। नटरंग क्या है इसके बारे में बता देंगे हम आपको, ठीक। और आपने जो पूछा है उसको हिंदी में बताओ। हिंदी में बताया नस्ता, नास्ता। श्याम दत्त क्या लिख रहे हो, नास्ता क्या होता है? आप सभी लोग शेयर कर लो भैया, जितने भी लोग जुड़े हो, जितने लोग देख रहे हो। अब क्या होता है, कुछ लोग आते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे गाना सुनना है, इंजॉय करना है, फिर चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या मिल रहा है यहाँ पे। लर्न हाउ टू क्रैक एग्जाम लिखते मैडम जी, जेलर थीम प्ले करो। जेलर थीम करो द प्ले, अरे यार ये सब छोटी मोटी चीजें यहाँ पे हम प्ले नहीं करेंगे। प्ले करना सिखाना बताना हमने बोला है कि यहाँ पे लाइव करते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। रही बात जेलर थीम को, तो हम प्ले कर चुके हैं और मेरे रील्स पे है, अपलोडेड है, आप देख लेना वहाँ पे। लता जी लिखती हैं कि जय माता दी मैम। जय माता दी, अब नवरात्रि चल रही है, प्लीज एक भजन सुना दो छोटा सा।
अरे यार आप तो ऐसा कह दी कि अब क्या बोले, सुनाएंगे वही कॉपीराइट आ जाएगा। मैं क्या करूं क्या करूं। अच्छा ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ कि कल एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगी, आप देख लेना मेरे चैनल, वो चैनल पे नहीं, वहाँ व्हाट्सएप पे हम सुना देंगे। क्योंकि माफ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, हम उससे बचना चाहते हैं, आप मेरी प्रॉब्लम समझिए। फोक म्यूजिक लगती कि मुंबई की लावनी इज नटरंग। ओके, कोई भी लावनी नटरंग होती है। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे रियाज करना चाहिए कुमार विकास, बताया तो मेरे भाई, कम से कम 3 घंटे। टाइम क्या हो रहा है, हेलो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और आप कॉल करिए ना, आप कॉल कर नहीं रही हैं क्लास के लिए, आपने बोला आप क्लास करना शुरू करिए। कुमार विकास ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कर सकते हो, 3 घंटे कंटिन्यूटी में करो। वैसे अगर एक संगीत के टीचर स्टूडेंट हो तो कम से कम 8 घंटे, मतलब डिवाइड कर दो, 8 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे तो जाके संगीत में मजा आएगा, तब कुछ मिलेगा। 8 घंटे, ठीक है, कम से कम 3 घंटे डेली और ज्यादा से ज्यादा 8। अजय अतुल इज स्पेशल स्पेशली नटरंग म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अप्सरा आली चतरंग वाले की बरा। अच्छा ये बात है, बहुत अच्छी बात है। अप्सरा आली, ठीक है, हम देखेंगे इस पे। आपसे तो मुझे एक अच्छी चीज समझ में आ गई कि चलो अच्छा है कि नटरंग के बारे में बताएंगे क्या है, कैसे उसको पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे, तो और लोगों को अच्छे से क्लियर समझा देंगे। कुमार भी कह देखते हैं, पर मैम मैं तो 4 घंटे करता हूँ। मैम 4 घंटे अच्छी बात है, 4 घंटे और निकालो, कर लो, ठीक है, शाम के टाइम और रख लो। श्याम दत्त, मुझे संगीत में एक चीज पता चला, खुद से ज्ञान नहीं, कंपोज नहीं कर सकता, कर पाया तो संगीत की हाँ संगीत सीखना अधूरा रह जाता है मैम, पर आपने तो टॉपिक ही नेगलेक्ट कर दिया मैम, जय हो राधे राधे। कहाँ मैंने टॉपिक नेगलेक्ट किया भाई, मेरे को समझ नहीं आया आपकी बात, हमने टॉपिक कहाँ नेगलेक्ट किया, मतलब हम तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं। रही बात ये कि बिल्कुल वो तो एक एक अपने अंदर एक महारत आनी चाहिए ना, कि भाई आप संगीत में खुद से गाना बना सको, खुद से गाना बजा सको, इतनी समझ आ जाएगी तभी तो सफल होगा संगीत आपका। कुछ लिखते कि मैम विब्रेटो क्या है, इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए मेरे रील्स पे है। फोक म्यूजिक लिखते हैं कि 8 घंटे रियाज करो राग कल्याण के, राग कल्याण के पंगा नहीं लेना कोई क्यों, राग कल्याण बहुत ज्यादा है क्या, मतलब खतरनाक। हम तो राग कल्याण अच्छे सिखाते सीखते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। राम असीम लिखते कि राधे राधे मैम जी, राधे राधे। तार तार सप्तक का रियाज कब करना चाहिए, शाम को करना चाहिए ज्यादातर। कल्याण जय माता रानी की, जय माता रानी जी। अमृतपाल मैम जब मैं सिंगिंग करता हूँ तो नजल वॉइस बहुत आती है। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, देखो नजल पार्ट जब आ रही है तो उसमें एक काम करना, ध्यान देना कि जब सा आए तो उसको सा में जो आ रहा है ना आ पे फोकस करना, जैसे
सा। अब कुछ लोग बोलते हैं सा, दो सा आ रहा ना, आ रहा है तो उसको आ बना दो बस, सा नॉट सा, इट्स सा। तो सा के आ पे फोकस करोगे तो नजल वॉइस खत्म हो जाएगी। सीधा और सटीक तरीका बता दिया। फोक म्यूजिक रियाज करो, राग कल्याण से पंगा नहीं लेना, नहीं तो उसमें उलझ जाओगे। बिलावल काफी तोड़ी और भैरवी ऐसा नहीं है, सही टीचर हो और सही तरीके से सिखाएं तो सब आसान हो जाएगा। पंगा लेने वाली बात नहीं है, हम पंगा लेते हैं हर राग से, जो कठिन लगता है उसी से पंगा लेते हैं सियांदत ट्रेनिंग क्या है मैम? है तिरंग या ट्रेनिंग? तिरंग, तिरंग क्या? हिंदी में लिख दो मेरे भाई। कुमार विकास लिखते कि शाम को मैं रूम में बहुत गर्मी रहता है, रूम लेकर रहता हूँ मैम, इसलिए बाहर नहीं कर सकते हैं ना मैम। सही बात है, रूम में तो गर्मी रहती है, हमारे भी रूम में गर्मी रहती है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, अपना हारमोनियम सबसे ऊपर वाले छत पे ले जा सकते हो, सीढ़ी होगी ना, वहां बैठ के आराम से शाम को 6 बजे से शुरू करो, लाइट लगा लो एक, फिर वहां 2 घंटे करो, या 7 बजे से लेके बैठ जाओ, बाहर बैठोगे तो गर्मी कम लगेगी। रास्ता तो आसान है ना, मेरे साथ भी दिक्कत होती थी पहले, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो इवन अभी भी करते हैं, जैसे शाम होती है, शाम हो रही है अभी 3 से 4, उसके बाद हम अभी बाहर लगा लेंगे क्लास, हमारे सेटअप है बाहर का भी छत पे। फोक म्यूजिक राग कल्याण बहुत मुश्किल है, हर वार न्यू निकल कर आता है कल्याण से। हाँ ये बात तो है, कल्याण कुमार कमाल। राधे राधे कैसे हो देवी जी? राधे राधे जी कमल जी, हम ठीक है, आप बताएं। शिखर सिंह लिखते हैं कि सुबह थोड़ी तोड़ी के रियाज बहुत बेनिफिट होता है। देखो उसका अपना एक चलन है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन रियाज का बेनिफिट यही होता है भैया, रियाज सही टाइमिंग में जो बताया जाए, सही वाला रियाज, जैसे 12 स्वर है तो 12 स्वरों को सही से प्रैक्टिस करो, कोई राग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू बाइक लिखते कि मैं ट्रांसफार्मर उड़ गया, लाइट गई और इतना तेज आवाज आई ट्रांसफार्मर उड़ने का, क्या बताएं, जल गया। मैम रियाज का सही टाइमिंग कौन सी है? 4 से 7 के बीच में। शानदत्त गोरख कल्याण में कल्याण कहाँ छिपा है, जबकि उसकी उसका ज्ञान चलन ईमान से बिल्कुल भिन्न है। हाँ गोरख कल्याण का अभी हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें कल्याण तो आता ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक है, चलन तीव्र मान नहीं लगता गोरख कल्याण में, ठीक है, गोरख कल्याण में तीव्र मान ना लगे फिर भी वो थाट कल्याण का होता है, तो उसका क्या होता है कि जो चलन होता है ना, पारे पारे के जो स्वर संगति होती है वो उसी से उसका कल्याण होता है, ठीक है, गोलक गोरख कल्याण का था जो होगा इसी वजह से होता है कल्याण का, वो तो मेरी मेरी चॉइस राग है, प्रवीण की राग है, हम तो उसका चॉइस राग बना के रखे थे। अरे यार ये कॉल क्यों आ रहा है? अमृत पाली थे कि मैं आप दिन में कितनी मैम दिन में कितना रियाज करते हो? मैम आप दिन में कितना रियाज करते हो? देखिए अगर मैं रियाज कहूँ करने के लिए तो 6 घंटे कम से कम मान के चलो, मेरा 6 घंटे कम से कम, बाकी अगर म्यूजिक में रहना कहो तो कम से कम 18 घंटे रहते हैं, तो म्यूजिक में रहना भी अपने आप में एक रियाज ही है, समझ लो फोक म्यूजिक की ट्रेनिंग में मेरे दुश्मन, अच्छा ट्रेन
अच्छा, फोक म्यूजिक थे। एक सॉन्ग तीन राग की मूर्छना को ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा, एक राग तीन मूर्छना। अच्छा, ये सब नई चीजें हैं, शायद हमारे सिलेबस में नहीं है जहाँ पे हम पढ़े हैं, तो इसलिए वो हमारे दिमाग से निकल रहा, नहीं समझ आ रहा है। अच्छी बात है, नई नई चीजें हमें भी सीखने को मिल रही है। फोक म्यूजिक देते कि सुबह भैरव का रियाज क्यों करते हैं, कोई बताओ। इस राग को गा करके माता को प्रसन्न किया था। इसकी अपनी एक कहानी है जिसकी वजह से सुबह का रियाज ही होता है, और इसमें गंभीर प्रकृति के राग रे और धा कोमल लगते हैं, तो ये इसलिए का रियाज है। श्याम भगत। यार ये क्यों ऐसा ब्लर हो रहा है फिर से। मैया मरण आई कल्याण कन्हैया, मैया मरण आई कन्हैया माटी खाए रे रोजी राग भजन है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मोबाइल हैंग कर चुका है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है तो बड़ी दिक्कत हो रही है यार। वेट वेट वेट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बिकॉज बहुत सारी दिक्कत की इशू वजह से। तिरंग, कुमार विकास मैम, ये तो हमने भी सोचा था, लेकिन बाहर वालों वाले लोग बोलते हैं कि अंदर ही किया करो, बाहर मत किया करो, दिक्कत होती है। बात तो है, सबको भी देखना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, जितना कर रहे हो उतना ही करो, उतने में ही भगवान सफलता देंगे। सोनू बाई लिखते हैं कि शुभो का रियाज मंद सब तक का कितनी देर तक रहे सही रहेगा, कम से कम आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे, अगर ज्यादा कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। शिखर सिंह लिखते हैं संगीत विशारद लू या संगीत रत्नाकर, या आप मैम कोई अच्छी बुक बताओ, प्रिपरेशन के लिए मुझे एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। रत्नाकर, संगीत रत्नाकर बेस्ट। फोक म्यूजिक लिखते हैं कि झिंझोटी निकाल लिया सारे गामा पाधा नीसा, लेकिन झिंझोटी का मेन क्या होगा वो तो पूरा पूरा होना चाहिए ना। श्यान दत्त, आप तो इतने अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा सिखाते हैं मैम, तो आप संगीत में स्टेज परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल सिंगर बन के इंडिया और अब्रॉड में लाखों रुपए कमा सकते थे, आपने म्यूजिक टीचिंग को क्यों चुना। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हो कि अपनी पूरी बतानी पड़े। देखिए, टीचिंग करना ये मेरा डिसीजन नहीं है, मुझे टीचिंग करना है या मुझे टीचर बनना है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे टीचिंग करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था यार क्या किसी को बताना, क्या सिखाना, अपना बनो करो। लेकिन शायद टीचर मुझे माता रानी ने बनाया है, उन्होंने ऐसी परिस्थिति दी, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा समझाने का तरीका दिया, एक्सपीरियंस दिया कि अपने आप टीचर बन गए हम। ठीक है, हम अपना ये प्रोफेशन नहीं चूज किए थे कि मुझे टीचर बनना। इवन मैं अपने टीचर को बोलती थी मैं जीवन में कभी टीचर नहीं बनूंगी, तो सर बोलते थे क्यों, हम बोलते थे अरे सर टीचर बनने में क्या होता है, वही वही रोज रोज पढ़ाना पड़ता है, आगे बढ़ना ही नहीं होता है। तो पहली तो बात यह है कि टीचर बनना मेरा अपना सपना था ही नहीं कभी, लेकिन माता रानी ने मुझे ये दिया और ऐसी सिचुएशन में डाला और ऐसी चीजें हुई लाइफ में कि टीचिंग करना पड़ा, और टीचिंग में इतना बेहतर ढंग से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत ये सिर्फ आप लोग नहीं बोलते हो, मतलब ऑफलाइन में भी जितने भी लोग सीखते हैं अकेडमी में जो मेरे पास आते हैं, पहले ना उन्होंने ही हमको बताया कि मैम जैसा आप समझाते हो
आपका समझाने का तरीका बहुत औसम है, बच्चे मतलब 1 मिनट में समझ जाते हैं। तो ये इससे ये मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि हाँ हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझाते हैं, हमारे दिमाग में आइडियाज अलग अलग आ जाते हैं, जिससे कि ये आइडिया आता कहाँ से है, माता रानी ने ही तो दिया है ना ये आइडिया, तो वहाँ से आइडिया आता है। तो समझाने का जो तरीका है थोड़ा अलग वे में होता है दूसरों से, इसलिए धीरे 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 टीचिंग में ही अच्छा लगने लगा, टीचर बन के ही मज़ा आने लगा। और अब आप मुझे अपने आप में देख रहे हो। दूसरी बात रही बात की प्रोफेशनल सिंगर, स्टेज परफॉर्मिंग, ये सब करते हैं, अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और पीछे भी कर रहे थे, तो ये कोई मना नहीं है। ये मेरा सिर्फ टीचिंग में मत देखें कि हम सिर्फ टीचिंग करते हैं, हम परफॉर्मेंस भी देते हैं, मेरे वीडियोस भी पड़े हैं मेरे चैनल पर, न्यूज़पेपर्स में भी नाम वगैरह आते रहते हैं आए दिन, ठीक है। तो सिर्फ टीचिंग नहीं है मेरी, आपके लिए हम बता दें, आपकी नॉलेज के लिए, हम एज अ परफॉर्मर भी हैं, स्टेज सिंगिंग भी करते हैं, फोक सिंगिंग। भैरव मतलब शिव पार्वती जी ने भैरव से शिव से वर लिया, काली माँ का राग बना अहीर भैरव। सही कह रहे हो। श्याम लिखते मैया मारण आई, कन्हैया ने माटी खाई, कौन सी राग का भजन है, आ गए ना पूछने कौन सी राग का भजन है। देखो अब ऐसे तो गुनगुना के समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो इंतज़ार करो, इसका खुद ही सर्च करो, हम तरीका बता रहे हैं, कल से बताना शुरू करेंगे, आप खुद निकालना शुरू करेंगे। फोक म्यूजिक, माँ सरस्वती ने गुरु बनाया इनको। हाँ सही बताया, वो यही तो है, हम गुरु कहाँ बनना चाहते थे। सही समझा। आसम बिहार जी के, प्लीज़ मैम कीबोर्ड बैकिंग के लिए और लेसन बना दीजिए। अच्छा ठीक है, और अच्छी तरीके से किसी सिंगर के साथ बता देंगे कि जैसे लाइव सिंगर गा रहा है तो हम बैकिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये लाइव एग्जांपल हम देते हुए बता देंगे और बेहतर ढंग से। एक एक अपनी मेरी एक स्टूडेंट है, वो गाती है एज अ परफॉर्म भी करती है, उसको बुला करके हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और बेहतर ढंग से बना देंगे, ठीक है। देखिए अगर हम टीचर ना बनते तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने वाला, जैसे बताने के लिए टाइम निकाल करके इतना मतलब करना नहीं हो पाता ना। अगर हम परफॉर्मेंस देते तो आप लोगों को समझाने वाले के लिए तो कोई तो चाहिए होगा ना, तो माता रानी ने हमको चुन लिया आप लोगों के लिए, यही हो सकता है। फोक मिलते कि अहिर भैरव राग किस देव ने बनाया, हाँ ये इसको पढ़ लेना भैया, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ दूसरी को ऐसा कुछ बताओ कि जिससे कुछ नॉलेज दूसरे को भी मिले, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी राग पर रह के काम करोगे तो नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से लोग हैं, मतलब जो कॉमन सी चीज़ें समझना चाहते हैं उनके लिए। सूफी जी लिखते हैं कि कहाँ एकेडमी है मैम आपकी, यूपी प्रयागराज। श्यामदत्त, मैंने राग मियाँ मल्हार और राग देश में तीरो भाव और आविर्भाव का प्रयोग करके बहुत